आज सियोंथर विधानसभा क्षेत्र के चाक घाट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से समारोह को संबोधित किया, जिसमें 33.68 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। भारी बारिश के चलते मुख्यमंत्री जबलपुर से वर्चुअली जुड़े उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और नगरीय विकास राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी ने भी कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विंध्य अब विकास की नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। अगले महीने रीवा में होने वाली इन्वेस्टर्स मीट में बड़े निवेश की संभावना है, जिससे खनिज पर्यटन और कृषि आधारित उद्योगों में भारी निवेश होगा और हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ किया गया, जिससे आम जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री ने चाकघाट में जन औषधि केंद्र और अन्य विकास योजनाओं का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रदेश की लाडली बहनों को रक्षाबंधन पर विशेष उपहार दिया गया है और शीघ्र ही स्वरोजगार के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव मदद का वादा किया, जिसमें रीवा में हवाई अड्डे का जल्द उद्घाटन और थियोंथर में स्टेडियम निर्माण का आश्वासन शामिल है। वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री की शुक्ल ने मुख्यमंत्री की 9 माह के कार्यकाल की सराहना की, जिसमें उन्होंने विंध्य क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाओं के लिए 4,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। जल्द ही रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा, जिसमें क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। कार्यक्रम में विधायक थियोंथर सिद्धार्थ तिवारी ने मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की और कहा कि विपरीत मौसम के बावजूद हजारों लोग समारोह में उपस्थित रहे। उन्होंने आश्वासन दिया कि थियोंथर विधानसभा क्षेत्र का रीवा जिले की अग्रणी विधानसभा बनाया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने आभार व्यक्त किया। समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल, कलेक्टर प्रतिभा पाल, DIG साकेत प्रकाश पांडे, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे।